कभी महसूस कीजिए, आप जा रहे हैं सड़क पर, आपके सामने नहीं हुआ है, होने के एक सेकंड बाद या एक मिनट बाद आप वहां पहुंच रहे हैं, एक एक्सीडेंट हो गया है, एक बाइक का और एक कार का। जरा पूछिए अपने आप से, आपका सपोर्ट, आपका फेवर किसको होता है? दैट इज व्हाट योर प्रोग्रामिंग इज। किसको रहता है? एक स्कूटी वाले का, एक कार वाले का झगड़ा हो गया, स्कूटी चला रही थी, मैडम गिर पड़ी, आपने देखा नहीं एक्सीडेंट अपनी आंख से, लेकिन आपने उसको गिरे हुए देखा है, आप किसकी तरफ सिंपैथी करते हैं? क्यों? क्योंकि आप उसको सिंपैथी नहीं कर रहे हो, आप खुद को सिंपैथी कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को उससे रिलेट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आप उसके अगेंस्ट चले गए, किसके? जो बड़ा गाड़ी वाला है। आपको आपने देखा नहीं गलती किसकी थी, बट आपका डायलॉग कि अरे यार ये तो सब अमीर बाप की औलादे बिगड़ी होती हैं, साले ले लेके गाड़ियां दे देते हैं, चलाते रहते हैं लड़के, इनके लिए जिंदगी जिंदगी नहीं है। हेलो, 2005 में मेरी गाड़ी से पहली बार एक्सीडेंट हुआ भाई साहब मेरा, और मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बोल रहा हूं, 0% गलती थी मेरी। मैं मेरी साइड पर हूं, सामने से ट्रक आ रहा है, उसके पीछे एक स्कूटर वाला आ रहा है, वो ट्रक वाले ने किसी कारण से, लोडेड ट्रक था शायद, रोड टर्न हो रही थी, उसने इस साइड किया, स्कूटर वाला भी साइड आ गया, क्यों आ गया मुझे नहीं पता, ट्रक वाले ने उसके बाद कट मारा, वो अपनी जगह चला गया, स्कूटर वाला नहीं जा पाया, सीधे आया मेरे बोनट से टकराया, उछला, उसका सर लगा मेरी स्क्रीन पर। मेरी गाड़ी सही थी, स्टार्ट थी, मैं भाग सकता था, लेकिन संस्कार नहीं थे, मैं रुका, मैंने उसको उठाया, उसको उठाकर मैंने साइड किया, उसके बाद अपनी गाड़ी में डाला, तब तक गांव वाले आ गए। देखा नहीं है, वो बंदा नहीं कह रहा कि साहब गलती इनकी है, वो अपनी तकलीफ में, और मैं उसको उठा के अपनी गाड़ी में डाल रहा हूं, लेकिन एवरीबॉडी, हर आदमी ने आके मेरी गाड़ी घेर ली। तुमको लगता है ऐसे लोगों को तुम प्लान दिखाओगे, वेस्टीज में लेकर आओगे, यहां पर आएंगे और वो कामयाब बन जाएंगे? सॉरी सर, ये जमीन के अंदर घुसा हुआ है गरीबी और उससे मोहब्बत, अमीरी होगी कहां से? और जब तक उसको इंटरनली आप चेंज नहीं करते, जब तक आप इसके रीजन को नहीं समझते कि वाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट सक्सेस, So, तब तक वो चीजें आपके पास आएंगी, आपके पास वो चीज कभी नहीं आ सकती जिसको आप अंदर से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, वो चीज आपके पास आ ही नहीं सकती। सो दिस इज मॉडलिंग, जिसका इफेक्ट हमारी लाइफ में रहता है। हम डायलॉग भी वही मारते हैं जब हम मिमिक्री करते हैं या मिमिक्री देख रहे हैं, बात एक ही है, तो हम किसको पसंद कर रहे हैं, किसका डायलॉग मार रहे हैं, वही वाले मैथुन के उन डायलॉग पर हम हंस रहे हैं, उसी डायलॉग पर हम तालियां बजा रहे हैं। हमको नहीं पता, हमारे लिए शायद वो इवेंट है, नहीं साहब वो इवेंट नहीं है, हमारे दिमाग के लिए वो एक मैसेज है, क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हो। तो हर एक घटना जिस पर आप रिएक्ट कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन, एंड इट इज टेकिंग मैसेज फ्रॉम दैट इवेंट, और वो मैसेज आपके दिमाग में जाकर रेफरेंस की तरह सेव हो रहा है, और वो आपके लिए काम करेगा। सो जब तक वहां से वो चीजें आप चेंज नहीं कर लेते, तब तक चैलेंजेस आर देयर। Getting the point? और इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं आपको, फाइनली मोहर कहां से लगती है, कहां से एक्सेप्टेंस होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको मैं बोलता हूं इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स ऑफ लाइफ। जब तुम्हारा दिमाग 100% किसी चीज पर, किसी विश्वास पर, किसी मान्यता पर मोहर लगाता है। हर एरिया के बारे में बता सकता हूं, लेकिन आज सिर्फ तुमको पैसे के बारे में मैं बता रहा हूं इस पॉइंट को। इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ लाइफ जो तुम्हारे साथ, मेरे साथ, हम में से हर एक के साथ बचपन से हमेशा घटे हैं, और ये वो वजह है जो मैं तुम्हें एक लाइन बार बार बोल रहा हूं, क्या कि पैसे से तुम्हें मोहब्बत करनी पड़ेगी, सफलता से मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब सफलता के लिए तुम्हारे अंदर से वो एनर्जी, वो पुश होगी जहां से सक्सेस आएगी।